भारत गांवों में बसता है और कृषि भारत की अधिकांश आबादी की आजीविका का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय कृषि एक गहरे संकट से गुजर रही है। भारत में कृषि संकट जारी है और बड़ी संख्या में किसानों की आत्महत्या, उन पर भारी कर्ज और किसान आंदोलनों से उठते प्रतिरोध के स्वरों से यह संकट साफ दिखाई दे रहा है। मुख्य समस्या ये है कि खेती दिन ब दिन एक घाटे का काम बनती जा रही है। खेती से होने वाली आमदनी बहुत कम होती है, जिसके कारण किसान अपने जरूरी खर्चे और परिवार की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में भी असमर्थ होते हैं। इसीलिए किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है और इसे न चुका पाने के कारण किसानों की आत्महत्याएं भी बढ़ रही हैं। जब हम विभिन्न वर्गों के मजदूरों की स्थिति देखते हैं तो उनकी स्थिति और भी भयानक दिखती है। छोटे और हाशिए पर आए किसानों की खेती से होने वाली कमाई उनके द्वारा खेती पर किए गए खर्च से कम होती है और उनकी आमदनी परिवार को पालने जैसे मूलभूत खर्चे पूरे करने के लिए नाकाफी होती है। ये 9 करोड़ में से 86.6% यानी 7,80,00,000 किसानों की स्थिति है। सिर्फ 14.4% या 12,00,000 किसानों के पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, जिसे वो कुछ पैसा ही कमा पाते हैं। पहली समस्या ये है कि खेती की लागत यानी खाद, बीज, कीटनाशक और बिजली आदि की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ये बढ़ोतरी इसीलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि किसानों को दिए जाने वाली सब्सिडी को खत्म किया जा रहा है और किसानों को बाजार के हिसाब से दाम चुकाने पड़ रहे हैं। बीटी कॉटन जैसे बीज जिन पर मोनसेंटो की मोनोपोली है की बढ़ी हुई कीमतें हाल में किसानों पर बड़ा बोझ बन गई है। किसानों की समस्या ये है कि जहां एक तरफ उनका खर्च बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कृषि उत्पाद की कीमतें नहीं बढ़ी है। ज्यादातर कृषि उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिलता है और इसीलिए किसानों को स्थानीय व्यापारियों के रहमो करम पर रहना पड़ता है। सरकार गेहूं और धान की खरीद करती है, यह केवल कुछ राज्यों में ही होता है। अन्य फसलों के लिए लगभग कोई सार्वजनिक खरीद नहीं होती है, इसीलिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है उसका किसानों को लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि अगर स्थानीय व्यापारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत देते हैं तो किसान कुछ नहीं कर पाते और सरकार इस न्यूनतम कीमत पाने वाले किसान की कोई मदद नहीं करती है। यह समस्या और भी बढ़ गई है, चूँकि पिछले 3 सालों में न्यूनतम समर्थन मूल्य को जानबूझकर बहुत कम रखा गया है, जिससे किसानों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। पिछले सालों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि पर किए जाने वाले सार्वजनिक व्यय 12 से 16% से घटकर अब योजना व्यय का 3.7% हो गया है। सिंचाई सुविधा के सुधार पर होने वाला निवेश भी पिछले सालों में कम हुआ है। सार्वजनिक निवेश और सरकार के समर्थन के बिना भारतीय कृषि संकट खत्म नहीं किया जा सकता, इसी वजह से किसान अब सड़कों पर है। मंदसौर, महाराष्ट्र, राजस्थान, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की किसान मुक्ति यात्रा देश के सभी छोटे बड़े शहरों में की गई है। सिर्फ कर्ज माफी ही इकलौता मुद्दा नहीं है, बल्कि इससे बहुत बड़ा मुद्दा भारतीय कृषि को जीवित रखने का है, जिस पर 40 करोड़ किसान निर्भर करते हैं। किसान की लूट को रोकना होगा। यह देश अपने किसानों का ऋणी है और देश को यह कर्ज अपने किसानों को चुकाना होगा।